नमस्कार दोस्तों, एचआरआई न्यूज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज 30 नवंबर की जो बड़ी खबरें और मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं। इसी वीडियो में जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप सभी को बताते चले। किसानों ने आज तक के रिपोर्टर को भगाया, बोले ये मोदी का बिकाऊ चैनल है, फर्जी खबरें दिखाता है। दोस्तों खबर जान लेते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जैसा कि जारी है। हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं। अब मोदी सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया भी किसानों के निशाने पर आ चुका है। किसानों के आंदोलन की कवरेज करने पहुंचे आज तक के रिपोर्टर और कैमरामैन को घेर कर किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। बताते चलें दोस्तों आपको, सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि आंदोलन कर रहे किसान आज तक न्यूज चैनल का विरोध कर रहे हैं। इसमें वह प्रधानमंत्री मोदी और गोदी मीडिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इसमें प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि झूठी और फर्जी खबरें दिखाने के लिए गोदी मीडिया को शर्म आनी चाहिए। बढ़ते विरोध को देखते हुए रिपोर्टर और कैमरामैन को वहां से भागना पड़ा। गौरतलब है कि जब से मोदी सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन किया है तब से ही किसान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान ज्यादातर न्यूज चैनल सुशांत के मुद्दे को भुनाने और टीआरपी बटोरने में लगे हुए थे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। वादा था किसानों की आय दोगुनी करने का, बढ़ा दी अडानी अंबानी की आय, ये बात कही है राहुल गांधी ने। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों का शोषण कर पूंजीपतियों का पोषण कर रही है और किसान की आय दोगुना करने का वादा भूलकर अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों की आय बढ़ाने में लगी है। राहुल गांधी ने कहा कि वादा था किसानों की आय दोगुनी करने का, लेकिन मोदी सरकार ने आय तो कई गुना बढ़ा दी, लेकिन अडानी और अंबानी की जो काले कैसे कानूनों को अब तक सही बता रहे हैं, वो क्या खाक किसानों के पक्ष में हल निकालेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक बार फिर से राहुल गांधी ने निशाने पर लिया है केंद्र की मोदी सरकार को। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों बड़ी खबर आपको बताते चले, कृषि कानूनों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, बोले पुनर्विचार कर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करे केंद्र सरकार। दोस्तों खबर आप जान लेते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को। उन्होंने लिखा है कि किसानों की बात सुनकर कृषि कानूनों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पत्र में अशोक गहलोत ने कहा है कि पीएम को किसानों के हितों में कानूनों पर पुनर्विचार करना चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। गौरतलब है कि किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए जिससे कि उनके हितों की रक्षा हो सके, और इसी को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव ने साधा है सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। नीतीश कुमार को महाजंगल राज के महाराजा करार दिया। जी हां दोस्तों, खबर जान लेते हैं विस्तार से। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से ही हमलावर बने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। अब बिहार में लगातार घट रही आपराधिक घटनाओं के बाद से सरकार पर लगातार तीखा हमला बोल रहे हैं। गोपालगंज में दिन दहाड़े डबल मर्डर और राजधानी पटना में सरेआम बीच सड़क पर महिला की हत्या के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए नीतीश सरकार पर हमला बोला और कहा कि राज्य में चारों ओर महाजंगल राज का हाहाकार है। आगे आपको दोस्तों बताते चले, तेजस्वी यादव ने सुशासन बाबू को महाजंगल राज के महाराजा करा दिया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बिहार में अपराधियों की बहार, गोलियों की बौछार और व्यवसायियों पर कहर के साथ ही महाजंगल राज का हाहाकार है। चारों तरफ अराजक और डरावना माहौल बन गया है। विधि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। डबल इंजन ट्रेन में बैठे मुख्यमंत्री सुस्त, लाचार, बेबस और असहाय हैं। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहने का किया फैसला। केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बीते रविवार को एक बड़ा फैसला किया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी के बुरारी मैदान नहीं जाएंगे और दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे। हजारों किसानों ने लगातार चौथे दिन बीते रविवार को
सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर अपना प्रदर्शन जारी रखा। गौरतलब है कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, राष्ट्रीय किसान महासंघ और भारतीय किसान संघ के अलग अलग धड़ों ने दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया था। किसान केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चलें, किसानों को आशंका है कि इससे MSP की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और उन्हें बड़े उद्योगपतियों के रहम पर छोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। यूपी में पत्रकार जिंदा जलाए जा रहे हैं, लेकिन CM योगी हैदराबाद का नाम बदलने में लगे हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक पत्रकार की जलाकर हत्या कर दी गई। अब यह बात फिर से उठने लगी है कि समूचे यूपी में सत्ता की नाक के नीचे बीते काफी समय से पत्रकारों का उत्पीड़न और उन पर हमले होते रहे हैं, पर अब तक योगी सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसकी कीमत एक बार फिर से एक पत्रकार को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है। दरअसल बलरामपुर के कलवारी गांव के रहने वाले पत्रकार राकेश सिंह के घर में बीते शुक्रवार को दबंगों ने घर में घुसकर कथित आग लगा दी थी। फलस्वरूप राकेश सिंह और उनके एक साथी की 90% जलने की वजह से मौत हो गई। एक तरफ यूपी में पत्रकारों को जलाकर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में जाकर BJP पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और वहां जाकर कह रहे हैं कि हैदराबाद के नाम बदलकर भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। वहीं इस मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने लिखा, ये आदित्यनाथ का राज है, यहाँ पत्रकार पर मुकदमा होता है, जेल होती है, हत्या होती है, पत्रकार को जलाकर मार दिया जाता है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सोती रहती है। यह बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। अगर आप भी कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को विफल मानते हैं, तो दोस्तों अभी वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। संजय राउत बोले, किसानों के साथ आतंकवादी जैसा बर्ताव किया गया, ये देश के अन्नदाता का अपमान है। खबर जान लेते हैं दोस्तों। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार 4th दिन भी विरोध प्रदर्शन करते रहे। किसानों के विरोध प्रदर्शन का शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने समर्थन किया है। संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से किसानों को दिल्ली आने से रोका गया है, ऐसा लगता है कि वे देश के किसान नहीं बल्कि बाहर के किसान हैं। उनके साथ आतंकवादी जैसा बर्ताव किया गया है। इस तरीके का बर्ताव करना देश के किसानों का अपमान है, जो कि मोदी सरकार ने किया है। वहीं इस पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर किसानों का समर्थन किया है। केंद्र सरकार द्वारा किसी से संबंधित हाल ही में लागू किए गए 3 कानूनों को लेकर अपनी असहमति जताते हुए पूरे देश में किसान काफी आक्रोशित और आंदोलित हुए हैं। इसके मद्देनजर किसान की आम सहमति के बिना बनाए गए इन कानूनों पर केंद्र सरकार अगर पुनर्विचार कर ले तो वही बेहतर होगा। ये यहाँ पर बड़ी बात कही है BSP के अध्यक्ष मायावती ने। मुझे समझ नहीं आता कि सब लोग आतंकवादी हैं तो केवल भाजपा वाले ही असली हिंदुस्तानी हैं क्या? ये बात कही है महबूबा मुफ्ती ने। जी हाँ दोस्तों, आपको खबर बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रदेश की बहुचर्चित रोशनी घोटाले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रोशनी एक योजना थी, लेकिन उसे अब एक घोटाले की तरह पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब से हमने जिला विकास परिषद के चुनाव में भाग लेने का फैसला किया है, तब से ही हमें और अधिक प्रताड़ित किया जा रहा है। आगे दोस्तों आपको बताते चले, महबूबा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुसलमानों को पाकिस्तानी, सरदारों को खालिस्तानी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को अर्बन नक्सल और छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंगवाद देशद्रोही कहते हैं। मुझे यह समझ नहीं आता कि अगर सब लोग आतंकवादी हैं तो इस देश में हिंदुस्तानी आखिर कौन है? केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जब तक कश्मीर का मुद्दा सुलझ नहीं जाता तब तक समस्या बनी रहेगी। जब तक सरकार अनुच्छेद 370 को फिर से लागू नहीं करती, हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ा बयान सामने निकल के आया है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती का। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे बोले, अन्नदाता की बात सुने सरकार, वो पाकिस्तानी नहीं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे अब आगे निकल कर आए हैं। अन्ना हजारे ने कहा कि वह किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। हजारे ने कहा कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए।
इसके साथ ही अन्ना हजारे ने कहा कि किसान और सरकार की स्थिति बिल्कुल ही भारत और पाकिस्तान की तरह हो गई है। अन्ना हजारे ने कहा कि जब चुनाव होते हैं तो आप उनके घर जाकर वोट मांगते हैं, तो अब उनकी भी बात सुनने का समय है। सरकार किसानों की समस्या को सुने और उसे सुलझाए। अन्ना हजारे ने आगे कहा कि किसानों पर पानी की बौछार की गई, जो कि ठीक बात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ बैठक करे और उनकी समस्या को समझे और उसका समाधान करे। उर्मिला मातोंडकर की राजनीति में फिर से एंट्री, आज शिवसेना में होंगी शामिल। जी हां दोस्तों, खबर जान लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर एक बार फिर से राजनीति में कदम रखने जा रही हैं। इस बार उर्मिला शिवसेना से अपना सियासी सफर शुरू करेंगी। उर्मिला आज शिवसेना में शामिल होंगी। शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार उर्मिला मातोंडकर को विधान परिषद का सदस्य बनाने की तैयारी में भी है। सरकार ने उर्मिला का नाम पिछले दिनों राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भी भेजा था। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अब एक बार फिर वह राजनीति में हाथ आजमा रही हैं। यहां पर दोस्तों आज की जो बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही थी आप तक पहुंचा रही है इसी एक वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।